अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के हरिरामपुर गांव में शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं के साथ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने शराब के ठेके के सामने बैठकर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल ठेके के बेहद नजदीक हैं, जहां शराब का ठेका संचालित हो रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग परेशान हैं। हम बेटा ठेका पे बैठे। अच्छा, क्या वजह, क्यों बैठी हुई हो? इसलिए बैठे हैं भैया, यहाँ गांव में आसपास के भी लोग आते हैं और यहाँ आवास है हमारा, छई छापरी बेटा सब जने यहाँ जा रहते हैं। जैसे यहाँ से अस्पताल और स्कूल बताया जा रहा है, तो कितनी दूर है? मंदिर भी है, कहाँ है? यहाँ मंदिर ज्यादा 20-20 कदम पे होगा मंदिर, और स्कूल जेरो, हॉस्पिटल जेरो, बगल में बिल्कुल हॉस्पिटल, तो एक दुकान छोड़ के ना आया। तो और भैया जहाँ जी हरकतें होते हैं बहुत परेशान है, चाहे गांव में तो ठेका, चाहे तू इतक तो कहूँ ले जा, पर जा गांव बीच गांव में ठहरा दे। तो वो कब से प्रदर्शन चल रहा है और कब तक चलेगा ये बेटा? जब तक जी ना हटेगा जब तक प्रदर्शन चलेगा। क्या ठेका वगैरह बंद भी करवा दिया है? हाँ, बंद कर दो आज, बिल्कुल ना खोलो। और हम नहीं रट लिए कि यही रात को रोटी करेंगे, यही खाएंगे और यही सोएंगे। क्या कोई अधिकारी वगैरह आए आपके? अधिकारी आए, दो पुलिस आए, वो कछु ना करेंगे, खुद हम ही कह गए कि यहाँ तुम हट जाओ, चुका को रिश्वत ले चुके हैं, ठेका वाले ने ऐलान तो कह दिए कि यहाँ तो ठेका ना हटेगा, मैं पैसा इतने फूकूंगा, तुम हटवाना सकती। और हमने रट लिए कि हम हटवाएंगे चाहे हम मत जावे। क्या कोई आबकारी की टीम वगैरह आई? हाँ, आबकारी की आई, वो बताया था रिश्वत ले गई है, सारा फराब ही बोतल ले गई है, वो चली गई है। परेशानी ये आ रही है कि यहाँ परेशानी बहुत है, ये कि नहीं है समस्या हल। 6 साल से देख रहे हैं, हर बार यही बात आ रही है कि अब घट जाएगा, अब घट जाएगा। क्या वजह है, कोई शिकायत वगैरह की थी? हाँ, शिकायत करी है, कोई हर बार पैसा क्या आश्वासन मिला था जब शिकायत की थी? ये कह देता है ऐसा कि अब घट जाएगा, 10 साल में अब घटा देंगे, अब क्या हटा देंगे, अब क्या हटा देंगे, यूँ है रही हर बार। कितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? कम से कम होंगे तो 300 आदमी ने का हुआ, 300-350 का। वहीं अलीगढ़ के जिला आबकारी अधिकारी सतीश चंद्र का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, हमने क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को मौके पर भेजा था, उन्होंने पूरी जांच की रिपोर्ट दी है। ये बात संज्ञान में लाई गई थी, उनका अनुज्ञापन आया था, उसमें मैंने क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को भेजा था, उन्होंने पूरी जाँच करके रिपोर्ट दी है, जिसमें दुकान नियमावली के अनुसार संचालित है, कोई धर्मस्थल वहाँ नहीं है।